अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चाइना ग्रास। चाइना ग्रास बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। अभी हम दूध को गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पे दूध को एक उबाल आने तक चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए, दूध को अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम इसमें इंस्टेंट चाइना ग्रास मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इंस्टेंट चाइना ग्रास का पाउच ली हूँ। अभी हम इसमें इंस्टेंट चाइना ग्रास मिलाएंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही चलाते हुए चाइना ग्रास को पका लेंगे। मैंने चाइना ग्रास बादाम पिस्ता फ्लेवर का ली हूँ। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। लो फ्लेम पे हम चीनी पिघलने तक चाइना ग्रास को पका लेंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी चीनी अच्छे से पिघल गई है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कांच का बर्तन ली हूँ। अभी हम उसमें चाइना ग्रास को ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, हमारा चाइना ग्रास रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अभी हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते डालेंगे और एक घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, एक घंटे के बाद हमारा चाइना ग्रास अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम चारों तरफ से लूज कर लेंगे और बाद में पीसेस में कट कर लेंगे। हम इस तरह से अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।